नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने टाटा नगर, पटना, गया, हावड़ा समेत 6 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। स्वच्छ वायु रैंकिंग में देश के कई शहरों के बीच पटना और गया की हवा कई शहरों से बेहतर। खगड़िया जंक्शन से 298 किलो कछुआ हुआ बरामद। प्रदेश में 15 IPS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। भारतीय टीम चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कर रही प्रैक्टिस। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएम मोदी ने टाटा नगर, पटना, गया, हावड़ा समेत 6 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। आज पीएम मोदी ने टाटा नगर, पटना, वंदे भारत ट्रेन को रांची में डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश भी कार्यक्रम से जुड़े थे। रेल मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि नई वंदे भारत ट्रेन के संचालन से इनकी संख्या 54 से बढ़कर अब 60 हो जाएगी। आपको बता दें कि आज टाटा नगर, पटना, गया, हावड़ा, वाराणसी, देवघर और भागलपुर हावड़ा वंदे भारत समेत 6 वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। स्वच्छ वायु रैंकिंग में देश के कई शहरों के बीच पटना और गया की हवा कई शहरों से बेहतर। स्वच्छ वायु रैंकिंग में देश के कई शहरों की रैंकिंग जारी हुई है। इसमें पटना को स्वच्छ वायु रैंकिंग में 14वां स्थान मिला है, तो वहीं गया इस रैंकिंग में 8वें स्थान पर है। आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वायु सर्वेक्षण करवाया था। देश के 130 वायु प्रदूषित शहरों के बीच ये सर्वे हुआ है। इसमें 10 लाख से भी अधिक की आबादी वाले 47 शहर मौजूद थे, जिसमें पटना भी शामिल रहा। इसमें पटना की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। राजधानी पटना की हवा पहले से साफ हुई है। पटना ने कोलकाता, चेन्नई, रांची, जमशेदपुर जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। बिहार में बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्यों की हुई नियुक्ति। अभी हाल में ही एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार ने 20 सूत्री का गठन किया था। अब इसके तहत हर जिले में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष सहित 25 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। इनमें जो सदस्य मनोनीत हुए हैं उसमें जदयू, बीजेपी, हम और लोजपा रामविलास पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हैं। अब आयोगों का पुनर्गठन किया जाएगा। साथ ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसमें जदयू और बीजेपी के नेताओं को जगह दी गई है। इसमें डॉक्टर हुलेश मांझी, संगीता ठाकुर, ज्योति कुमार, शिला पंडित, प्रजापति, सुग्रीव दास और राकेश सिंह का नाम शामिल है। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई है। सरकारी कर्मियों के निधन के बाद उनके नाबालिग आश्रित के अनुकंपा को लेकर नियम। सरकारी कर्मियों के निधन के बाद उनके नाबालिग आश्रित को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जरूरी निर्देश दिए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि नाबालिग आश्रित बालिग होने के एक साल के अंदर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही कहा गया है कि ये आवेदन उस समय मान्य होगा जब मृतक सरकारी सेवक के जीवित माता पिता या पिता द्वारा सरकारी सेवा की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की योग्यता नहीं धारण की जाती हो। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी डीएम को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सरकारी प्रावधान के पालन का निर्देश दिया है। विभाग ने ये कहा है कि मृत सरकारी कर्मचारी के वैसे आश्रितों को ही इस प्रावधान का लाभ दिया जाएगा जो 30 अगस्त 2024 या उसके बाद 18 साल के होंगे। प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना। प्रदेश में पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण बिहार के अधिकतर जगहों पर अच्छी खासी बारिश देखने की होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पटना समेत 14 जिलों को भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। साथ ही कई जगहों पर वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है उसमें नवादा, जमुई, गया, औरंगाबाद, अरवल, बांका, पटना, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर शामिल है। इस दौरान किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। प्रदेश में 15 IPS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। भारतीय पुलिस सेवा के 15 अधिकारियों को राज्य सरकार ने शनिवार शाम में नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें से 5 IPS अधिकारी पटना में ग्रामीण यातायात पुलिस अधीक्षक और सिटी SP के तौर पर तैनात किए गए हैं। पटना के नए यातायात SP अपराजित बनाए गए हैं। वहीं पटना के नए ग्रामीण SP विश्वजीत दयाल बनाए गए हैं। विश्वजीत दयाल अभी प्रशिक्षण पर हैं। प्रशिक्षण पूरी करने तक अभी पटना के पुलिस अधीक्षक प्रशासन सतीश कुमार को ग्रामीण SP का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष और बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की मुश्किलें सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में बढ़ती ही जा रही है। पुलिस विभाग पूर्व डीजीपी एसके सिंघल पर कार्रवाई कर सकती है। अब इनके पेंशन पर भी खतरा मंडरा रहा है। गृह विभाग को आर्थिक अपराध इकाई ने अनुशंसा भेजी है, जिसमें इन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। कार्रवाई की अनुशंसा सिपाही पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी की संलिप्तता सामने आने के बाद भेजी गई है। अब बिहार मछली उत्पादन में होगा आत्मनिर्भर। बिहार के स्वास्थ्य व कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों को अब ताज़ा मछली खाने को मिल रही है। बीते 10 सालों में मछली उत्पादन में करीब 200% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही उनका आय भी बढ़ रहा है। अब बिहार मछली उत्पादन के मामले में जल्द ही आत्मनिर्भर होगा। आंध्र और बंगाल की मछलियों पर भी निर्भरता कम होगी। बिहार की मछलियां तो अब सीमांचल के इलाके में बंगाल भी निर्यात हो रही हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस संजीव हंस व पूर्व विधायक गुलाब यादव पर कसेगा शिकंजा। आईएएस अधिकारी संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत अन्य कई लोगों पर आय से अधिक संपत्ति पर और अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध कमाई के मामले में शिकंजा कसा जा रहा है। मंगलवार को इन सभी के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई एफआईआर दर्ज कर सकती है। राज्य सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक जांच एजेंसी सूत्रों में पता चला है कि एफआईआर में संजीव हंस और उनकी पत्नी, उनके पिता व पूर्व विधायक गुलाब यादव और इनकी पत्नी विधान पार्षद अंबिका गुलाब यादव, बेटी बिंदु गुलाब यादव और सुनील सिन्हा समेत 14 से भी ज्यादा लोगों को का नामजद अभियुक्त बनाया गया है। खगड़िया जंक्शन से 298 किलो कछुआ हुआ बरामद। ट्रेन से 298 किलो कछुआ रेल पुलिस ने बिहार के बरौनी कटिहार रेलखंड के खगड़िया जंक्शन से बरामद किया है। इस मामले में 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। ये तस्कर इन कछुओं को यूपी से बंगाल जूट के बोरे और बैग में रखकर ले जा रहे थे। इस मामले में आरपीएफ थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार राम ने बताया कि ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। 19305 डाउन ट्रेन के S4 कोच में कुछ संदिग्ध लोग बैठे हुए हैं। इस सूचना के बाद खगड़िया स्टेशन पर ट्रेन आने के बाद कोच की तलाशी के दौरान मामले का पता चला। राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम 1 के प्रतिभागियों में बिहार के विजय उपाध्याय भी हुए सम्मानित। राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम 1 के प्रतिभागियों के तीसरे बैच के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में बातचीत की। इस दौरान कार्यक्रम में बिहार के बक्सर स्थित भरखरा गांव के रहने वाले विजय उपाध्याय भी शामिल थे। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। इनके योगदान की उपराष्ट्रपति विजय उपाध्याय ने भी सराहना की है और इन्हें सम्मानित किया है। विजय उपाध्याय ने अपनी सफलता से प्रदेश और अपने जिला का मान भी बढ़ाया है। शराब बंदी को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में शराब बंदी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो 1 घंटे के अंदर शराब पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना होने वाली है। इसे लेकर उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर के लिए किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं है, 2 वर्षों से हमने इसकी तैयारी कर रखी है। आगे उन्होंने कहा कि नेताओं ने समाज में ये भ्रम फैला दिया है कि राजनीति में जाति और धनबल की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार के अपने 6 विधायकों को कांग्रेस ने पर्यवेक्षक बनाकर भेजा झारखंड। झारखंड के 6 लोकसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक बनाकर कांग्रेस ने अपने 6 विधायकों को झारखंड भेजा है, ताकि ये सभी उन सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित कर सके। बिहार के जिन 6 विधायकों को कांग्रेस ने झारखंड भेजा है, उसमें डॉक्टर शकील अहमद खान गुड्डा, मोहम्मद अफाक आलम राजमल, राजेश कुमार कोडरमा, अजीत शर्मा धनबाद आनंद, शंकर सिंह पलामू और छत्रपति यादव को गृहटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल के कोर्ट से जमानत मिलते ही अब आम आदमी पार्टी बिहार में भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपके प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश ने जानकारी दी है कि बिहार में भी आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी के बिहार प्रदेश कमेटी का जल्द ही पुनर्गठन किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि बिहार में कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने वाली है।
भारतीय टीम चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कर रही प्रैक्टिस। भारतीय टीम का चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले चेन्नई में कैंप लगा है, जिसमें टेस्ट सीरीज मैच के लिए भारतीय टीम जमकर प्रैक्टिस कर रही है। कई भारतीय बल्लेबाज प्रैक्टिस के दौरान हवाई शॉट लगाते नजर आए। वहीं नए बॉलिंग कोच मोर्नी मोडकर की देखरेख में गेंदबाजों ने भी अभ्यास किया। इस अभ्यास का वीडियो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भी अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है राजकिशोर महतो, मोहम्मद सलमान, दिलीप यादव, संघर्ष कुमार, सपना कुमारी, आलोक प्रियदर्शी, पवन दास, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद अरमान, रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, नौशाद रजा, रवि मोहन वर्मा, अभिराज, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने वंदे भारत ट्रेन से सफ़र किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।